जाकर कोरोना मरीजों की खोज करेगी। लोगों से सवाल होगा कि उनके परिवार में कोई बीमार तो नहीं है। स्वास्थ्य महकमे की टीम के साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट अपने वाहनों से अलाउंस करेंगे कि कहीं भीड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, जिसको लेकर मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। आगामी 5 से 15 जुलाई तक चलने वाले विशेष सर्विलांस कोविड-19 अभियान को सफल बनाने को लेकर कार्य योजना बनाई गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माइक्रो प्लान के अनुसार टीमें गठित की जाएं। हर एक सर्वेक्षण टीम को स्टिकर, चौक और रिपोर्टिंग प्रारूप के साथ रीयूजेबल मास्क भी दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को शामिल किया जाए। वहीं सर्वे टीम को इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सोमीटर भी दिया जाएगा। इस दौरान अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये सर एक तो लखनऊ के हैं और एक गोरखपुर के, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें बाकी 3 जिलों के लिए भी तो चाहिए होगा। सर बात कर लेता हूँ, अभी कल आप लोगों ने बात नहीं की, तो कल शाम को या कल कल रात में एक से मैंने बात की तो पहले उन्होंने उनका बात है। ठीक है, तो वो आप कहाँ देंगे? तो ऐसा है कि यहाँ पर गोरखपुर को जरा आपको ट्रैकिंग देनी पड़ेगी, हम सब के साथ भी यहाँ रहेंगे, बस रात को ही आ जाए सब तक परसों। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप डिस्को कर रहे हैं वो CMO को बिल्कुल सूचित रहे, उनको एग्जैक्टली पता हो किस एरिया में दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 100-200 कम भी पड़ते हैं, तो कम से कम हमारी कंटेनमेंट जोन और आपके हिसाब से जो आपकी एरिया है वो वहाँ कवर कर दें। और स्पेशली अर्बन एरिया का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कोई अधिकारी राउंड लगा के देखना भी चाहे तो आप अपना देख सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, आप अभी जो मेरे पास रिपोर्ट सामने रखी हुई है, मुझे लगता है आपने 3 दिनों की रिपोर्ट